हिसार के सेक्टर 16-17 के इंडस स्कूल के छात्रों ने जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में स्कूल के 5 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। यदि बचपन से ही खेलों के प्रति बच्चों में जज्बा पैदा किया जाए तो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। हिसार के इंडस स्कूल के 5 छात्रों ने जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सभी ने अपने अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों ने साफ कहा कि मुकाबला तो कड़ा था, लेकिन अंत तक हार न मानने का नतीजा है कि वे गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। आज हम ये चैंपियनशिप अपने अमित सर, दारा सर और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर की वजह से जीते हैं, जो हमें डेली इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं अपने द्वारा। मेरा फाइनल मुकाबला एक बहुत खतरनाक प्लेयर के साथ था, जिससे जीतना बड़ा मुश्किल था, पर फिर भी मैंने बड़ी बहादुरी से लड़ा और उसको हरा दिखाया। यस, हम आगे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। वो मॉर्निंग स्टार के रोहन के साथ हुआ, वो मुकाबला बहुत ही मुश्किल था पर मैंने उसे जीत लिया। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। खेल में क्या करना चाह रहे हो? हम और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। स्कूल में किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो? स्कूल में हमें इवनिंग क्लासेस में हमारे अमित सर हमें 5-6 घंटा डेली सिखाते हैं। छात्रों की इस उपलब्धि को लेकर इंडस स्कूल के शिक्षकों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने साफ कहा कि इस प्रतियोगिता में विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि ये रही कि 5 ही छात्रों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सभी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे स्कूल इंडस पब्लिक स्कूल हिसार के 5 बच्चे हमने इस कॉम्पिटिशन में भेजे थे, जिनमें 2 बच्चे सेकेंड क्लास के हैं जिनकी एज 6 या 7 साल है, और 5ों ही बच्चे हमारे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की है। और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि इंडस पब्लिक स्कूल जो है वो किस तरह से बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास पे ध्यान देता है, और पढ़ाई लिखाई जो कि बेहद अहम हिस्सा है किसी भी स्कूल के लिए, उसके साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं, और उसी की बदौलत आज हमारे ये बच्चे